بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। सब तारीफ़ अल्लाह जल्ला शानहु के लिए और बेहद सलातु सलाम आका अलैहि सलातु वसलाम की ज़ात पर, आपकी आल पर, असहाब पर, अजवाज पर, अहबाब पर। हाज़रीन महफ़िल, नाज़रीन महफ़िल, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यारान तरीक़त, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसने ये माह शाबान मुअज़्ज़म की ये रात हमें अता फरमाई, जो कि बहुत ही बरकतों वाली रात है और बहुत ही रहमतों वाली रात है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करा देने वाली ये रात है। ये सब कुछ प्यारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक, आपके वसीले से, आपकी मोहब्बत से ये सब कुछ चीज़ें अता होती हैं। ये रात भी उन्हीं का सदका है और ये शब बारात भी उन्हीं का सदका है। इसमें हमने वैसे तो दूसरा बहुत बड़ा प्रोग्राम करना था, अब ये कोरोना वायरस की वजह से चूँकि मुसलसल 17-18 दिन से हम कर्तीना में हैं और दरबार शरीफ को इसी वजह से बंद किया हुआ है और तमाम अपने सलासल के जहाँ जहाँ भी आस्थाने हैं उनको बंद करने का हुक्म दिया हुआ है कि ये एक वबा है, एक अजाब है, एक बीमारी है, इससे बचना ज़रूरी है और तमाम कौम इन पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए जब चलेगी तो फिर ही बच पाएगी और इन पाबंदियों का लिहाज भी रखना होगा। इसी वजह से सबसे पहले हमने अपने आस्थाना को बंद किया, आज 17-18 दिन से ये बंद करके हम कर्तीना में हैं और इसी तरह तमाम मुल्क जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आस्थाने हैं वहाँ पे आस्थानों को बंद करने का हुक्म दिया है और इस कोरोना वायरस का मुकाबला करने का हुक्म दिया है। और वो मुकाबला इसी तरह होगा कि अल्लाह को याद किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजे जाएँ और जो मैंने वजीफ़ा बताया है या सलाम हो या अल्लाह हो, हर मोमिन मुस्लिम सुबह शाम 101 बार इसका विर्द किया करे, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कवी है कि अल्लाह पाक हमें महफूज रखेगा। इसी के पेश नज़र हमने बड़ा प्रोग्राम करना था और उसको कैंसिल करके हमने ये लाइव प्रोग्राम यानी ऑनलाइन नेट पे अपना जो हमारा पेज है गलबन उसी से ही हमने इसको ये प्रोग्राम करने का हमने सोचा और उसी के पेश नज़र आज हम इस महफिल में अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने के लिए बैठे हैं। बाकी जितने यारान तरीकत हैं और दीगर जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, इंशाअल्लाह इस महफिल की बरकात और इस रात की बरकात को वो ज़रूर हासिल कर पाएंगे। जिसका जितना मन साफ होगा इतना ही उसका दिल चमक जाता है, जितना जिसका मन साफ होगा, जितनी जिसके दिल के अंदर इश्के मुस्तफ़ा की हरारत होगी उतना ही अल्लाह पाक उस पे रहम भी करेगा, फजल भी करेगा और करम भी करेगा। आज की रात के मुतल्लिक जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु आप रवायत फरमाते हैं कि जब शाबान की 15 रात हो तो इस रात को क़याम किया करो और इसके दिन में रोज़ा रखा करो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज गरूब होते ही अपनी शान के लायक
आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है, क्या कोई मुझसे मगफरत तलब करने वाला नहीं कि मैं इसकी मगफरत करूं? क्या कोई मुझसे रिजक तलब करने वाला नहीं कि मैं उसे रिजक दूं? क्या कोई मुबतलाए मुसीबत नहीं कि मैं उसे आफियत दूं? क्या कोई ऐसा नहीं? इसी तरह इरशाद होता रहता है यहाँ के फजर हो जाती है। अब ये जनाब अली इब्ने अबी तालब रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम, आपने रवायत किया है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये वो ज़ुबान वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो ज़ुबान जिससे अपनी ख्वाहिश से नहीं बोला गया, इन्हु अल्ला वहयू यूहा, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो अता किया और वो अकल इस्लाम की ज़ुबान से अदा हुआ। तो उसमें आपने कहा, इसकी फजीलत को बयान करते हुए कहा कि अल्लाह पाक की रहमत का नज़ारा, सूरज जिस वक्त गुरूब होता है तो अल्लाह पाक अपनी रहमत का नज़ारा करता है और अपनी शान के लायक वो वहाँ बराजमान अपनी नज़र करम फरमाता है और फिर रिज्क भी अता करता है, मगफरत भी अता करता है। जो भी किसी अजाब में है, मुसीबत में है, उसकी मुसीबत को दूर करता है और तुलुए फजर तक ये निज़ाम जारी रहता है। इसी तरह मजीद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए और कहा कि या रसूलल्लाह, ये रात 15वीं शाबान की रात है और इस रात अल्लाह ताला कबीला कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। कबीला बनी कल्ब की बकरियां, वो जो बकरियां थीं बहुत घने बाल उन पे, और एक बकरी के बाल आप नहीं गिन सकते, और उस कबीले की जितनी बकरियां थीं सैकड़ों में या हजारों में, और उनके बालों की आप तादाद नहीं गिन सकते। गोया सब मुसलमानों की मगफरत हो जाती है। इससे बढ़ के और इनाम क्या हो, ये भी सारा को सारा जितना भी है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से है। आप नज़र, गोया आपने नज़र फरमा दी इस उम्मत पे, इस उम्मत का काम हो गया। अब उम्मत का काम है वो काम करे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए हैं, लेकिन उनको छोड़ के जब हम अपने कामों में पड़े तो फिर इस किस्म के जो मामलात, ये बीमारियाँ और ये जो अजाब की सूरत, अल्लाह पाक इसको, इससे हमें बचाए, तमाम मुसलमानों को और पूरी बल्कि तमाम इंसानों को बचाए। लेकिन वजह यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन आद अली वलीयन फकद अज़मतु बिलहर्ब, कि अल्लाह पाक कहता है कि मैं उस बंदे के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ जो मेरे किसी वली से, मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखता है। तो जब इस जगह पर, जब इस जमाने में, जब इन हालात में अम्बिया की और औलिया की गुस्ताखियाँ हुई, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का ऐलान जंग फिर ऐसे लोगों के खिलाफ होता है। अल्लाह पाक ऐसे अजाबों से बचाए और ऐसे गुस्ताखों से बचाए, उन लोगों में रखे जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, उन लोगों में रखे जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, और उन लोगों में रखे जो आशिकाने औलिया हैं, उनके नक्श कदम पे हमें चलाए। और इसी तरह हम फिर अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं। वरना हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहता है कि मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करता है, मेरे दोस्त से अदावत रखता है। जब अल्लाह ऐलान जंग करेगा तो आप खुद सोच लो कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मौला अली मजीद फरमाते हैं, मुझे ये बात पसंद है कि इन चार रातों में आदमी खुद को तमाम दुनियावी मसरूफियात से इबादत इलाही की तरफ फर्क रखे। वो चार रातें ये हैं, ईद अल फितर की रात, ईद अल अज़हा की रात, और शाबान की 15वीं रात, और रजब की पहली रात। इसको इब्ने जौज़ी किताब अत-तबसरा में जिल्द 2 में ये नकल करते हैं। ये रातें, पांच रातें जो कहीं, इन पांच रातों की फजीलत है। कितने खुशबख्त हो कि आज एक उनमें से रात आपको मिली हुई है। अगर अपनी हरारत ईमान से, अपनी हरारत ईमान से आज तौबा कर लोगे तो बेशक अल्लाह ताला माफ कर देगा, क्योंकि अगर जनाब रसूलल्लाह कह दें तो फिर माफी हो चुकी। जब हजूर जनाब अली अल मुर्तजा कह दें
माफी हो चुकी, ये उसी घराने को ये बात सजावार है कि उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने इस कौम को, इस उम्मत को हर वक्त मोहब्बत ही अता किया और हर वक्त प्यार के तोहफे भेजे। ये कितना बड़ा प्यार का तोहफा है कि 1400-1500 साल गुजरने के बाद फिर भी मोहब्बत की हवाएं आ रही हैं, बख्शिश की हवाएं आ रही हैं। फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का एक अमल मुबारक वो मैं बयान करता हूँ कि हज़रत तौस यमानी फरमाते हैं कि मैंने इमाम हसन बिन अली से निसफ शाबान की रात और इसमें अमल के बारे में पूछा। आपने इरशाद फरमाया, मैं इस रात को तीन हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा अपने नाना जान पर दरूद पाक पढ़ता हूँ, दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ, तीसरे हिस्से में नमाज पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, जो शख्स ये अमल करेगा उसके लिए क्या सवाब है? आपने फरमाया कि मैंने हज़रत अली से सुना और आपने हजूर सल्लम से सुना कि उसे मुकर्रबीन में लिख दिया जाता है। इमाम सखावी अल्लामा सखावी अलकौल बदी में इसको बयान करते हैं कि जो ये अमल कर ले, एक हिस्सा दरूद पाक, एक हिस्सा दरूद पाक, दूसरे हिस्से में इस्तग़फ़ार, तीसरे हिस्से में नमाज से मुराद नवाफिल पढ़ना, यानी कि मुकर्रबीन खुदा में यानी अल्लाह का वो जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनमें उसका नाम लिखा जाएगा। अब ये एक फार्मूला अता कर दिया कि कैसे हम अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं कि पहले हजूर सल्लम पे दरूद पाक पढ़ेंगे कि वो एक वसीला बन जाएगा, हमें तहारत अता कर देगा। जब इस काबल करेगा कि हम अल्लाह की बारगाह जोगे हो गए हैं, उस वक्त हम जब इस्तग़फ़ार फिर पढ़ेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, वैसे उसकी मर्जी, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ के आए हैं तो वो इस्तग़फ़ार कबूल करेगा। जब वो कबूल करेगा तो फिर जब नमाज पढ़ेंगे तो गोया वो हमारी रकू व सजूद कऊद वो सारा कुछ सारा हजूरी की नमाज में बदल कर हमें वासिल बिल्ला करता है और अल्लाह का कुर्ब अता करके मुकर्रबीन में हमारे नाम लिख दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाक है वो ज़ात और तारीफें उसी के लिए। अल्लाह पाक फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, यानी कि पक्की तौबा करो। जब तुम तौबा करो तो फिर पक्की तौबा करो, उस पर तुम कायम रहो और उसके फिर लवाजमात हैं उनको मद्देनजर रखो, तो फिर वो तौबा कबूल होगी। बहुत इसकी रूहानी आयत करीमा कोई भी मैंने ऐसी नहीं देखी जिसकी रूहानी तफसीर ना हो, लेकिन ये वक्त अब रूहानी तफसीर को बयान करने का नहीं, इस शब्बे बरात या इस मुकद्दरों वाली रात की फजीलत बयान हुई और इसी से रिलेटेड जब हम औलिया अल्लाह का तज़करा करेंगे तो गोया इनके तसद्दुक इनके वसीले से आज की रात हमें ये रहमतें और बरकतें और मगफरत और रहमतें और हमारी बख्शिश का ये रात जरिया बन जाए। और इसी तरह औलिया अल्लाह के वसीले से ही ये सलासिल हैं और औलिया अल्लाह के हजूर सल्लम के अहले बैत और सहाबा और हजूर पाक सल्लम के वसीले से ही ये अस्ताना कादरिया मखदूमिया कलंदरिया भी है और दुनिया का हर अस्ताना दुनिया का हर निज़ाम ही हजूर के वसीले से है और वलियों के वसीले से है। अगर ये वसीला हट जाए तो कोई सिलसिला बाकी नहीं रहता, ये सिलसिले कायम हैं तो वसीले की वजह से, और वो वसीला ऐसा प्यारा प्यारा वसीला है प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस वसीले के अंदर ज़ाते खुदा अपने नूर के साथ जलवागर है और उसका नूर उस वसीले के जरिए उन सलासिल को सैराब कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह ताला चार रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता। कौन सी रात? एक ईद अल अज़हा की रात, दूसरी ईद अल फितर की रात, तीसरी शाबान की 15वीं रात। इस रात में मरने वालों के नाम और लोग और उनका रिज्क और वो लोग जो हज करेंगे उनके नाम लिख दिए जाते हैं, यानी मरने वालों का नाम और रिज्क जो दिए जाएगा वो और हज करने वालों के नाम इस रात में लिख दिए जाते हैं। अल्लाह पाक ये जो सादतें हज और इस रिज्क की, ये अल्लाह का नूर है, ये हम सबको
और ये जो याराने तरीके सुन रहे हैं सबको अल्लाह पाक अता करे। इसको तफसीर दुर्रे मंसूर में इमाम सयूती ने लिखा है इस हदीस को। तो हजूर सल्लम की ये प्यारी हदीस, ये प्यारी एक खुशबूदार एक प्यारा फूल और उसकी खुशबू को हम तक पहुंचाया तफसीर दुर्रे मंसूर ने। और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह का बहुत बुजुर्ग बंदा, प्यारा बंदा, उसने इसको लिखा। तो कोई शक नहीं इसमें, जब कहीं से प्यार की खुशबू आए तो वो हदीस सही क्या बहुत आला है, और वही हदीस असल है, उसमें कोई शक बाकी नहीं रहता। जहाँ से प्यार की खुशबू ना आए, दूसरे लफ्जों में मोहब्बत मिशन, तो वो समझें कि वहाँ मामला गड़बड़ है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शवान की रात निगाह इल्तिफात फरमाता है। वही बात कि जैसे आसमान दुनिया पे जाहिर, वो तो हर वक्त हर जगह पे जाहिर है, एक मिसाल यही है कि निगाह इल्तिफात फरमाता है, निगाह इल्तिफात फरमाता है। चुनाचे वो मुशरिक और बुग्ज व कीना रखने वालों के सिवा तमाम अहले जमीन के गुनाहों को बख्श कर बख्श देता है। अल्लाह ताला की तरफ से इस शब में बनु कल्ब कबीला की बकरियों के खालों पर मौजूद बालों के बराबर लोग जहन्नम से आजाद हैं। कि इस रात में क्या होता है, अल्लाह अपनी निगाह लुत्फ व करम करता है। दूसरी बात कि वो बख्श देता है, करम कर देता है बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। और तीसरी अहम बात यह है कि मुशरक जो है उस पे ये नजर करम नहीं होगी, और बुग्ज़ और कीना रखने वालों पे ये नजर करम नहीं होगी। अब लोग कहते हैं कि इतनी शबरातों को जागा भी जाता है, सारा कुछ होता है, फिर भी अजाब आते हैं। उसकी वजह यही है कि मुशरक पे आका ने कहा मुशरक पे अजाब आएगा, वो उस पे रहमत नहीं होगी, और बुग्ज़ और कीना रखने वालों पर रहमत नहीं होगी। और आपको पता है जिसके अंदर बुग्ज़ और कीना हो तो हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि वो बुग्ज की वजह से एक सच्ची बात भी अगर किसी में देखे तो अंदर चूंकि बुग्ज और कीना होता है तो उसको वो सच्ची बात नजर नहीं आती, वो उसको झूठ, उसको अपनी तरफ से झूठ बना के पेश कर देगा। यानी किसी के हुस्न बातन को अगर वो देखता है तो उसके अंदर चूंकि कीना और बुग्ज होता है, अल्लाह की नजर रहमत से दूर हो चुका होता है, उसको किसी भी शबरात की रात का कोई फायदा नहीं पहुंचा होता, उसके अंदर बुग्ज और कीना होता है, तो वो अपनी तरफ से वो हुसन जो है उसको बदल के उसको वो झूठ बयान कर देता है। जब वो बात करता है, बयान करता है, तो उस बंदे के मुतल्लक वो झूठ बयान करता है, और जब वो कोई चीज लिखता है तो उस बंदे के मुतल्लक वो झूठ लिख देता है। और आपको पता है झूठों पर अल्लाह की लानत है। प्यारे नबी ने कहा कि झूठे की निशानी यही है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे चला दे, सुनी सुनाई बात को आगे चला दे। तो जब हसद हो, बुग़्ज़ होगा, तो अंदर फिर इस हसद हो कीने की वजह से हमेशा वो झूठ को फैलाएगा, झूठ बोलेगा, झूठ ही लिखेगा, और वो ही आगे फैलाएगा, और ऐसे बंदे पे अल्लाह की लानत होती है। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया, कोई कुआं खोद दिया, कोई मस्जिद बना दी, कोई मदरसा बना दिया, कोई कॉलेज बना दिया जहाँ पे तालीम, कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे अच्छाई तालीम हो रही है, कोई दारुल उलूम ऐसा इल्म का जहाँ कुरान करीम पढ़ाया जा रहा है, जहाँ उलूम इस्लामिया पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ उलूम मार्फत पढ़ाए जा रहे हैं, इल्म रूहानियत पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ये बन जाएगा सदका जारिया। जब तक वो दारुल उलूम, वो यूनिवर्सिटी, वो मदरसा कायम रहेगा तो ये सदकाए जारिया है, इसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत किताब लिख दी झूठ पे मबनी, और कोई गलत और कोई कलाम लिख दिया, कोई गलत बात कह दी, जब तक वो बात आगे चलती रहेगी तो उसका वो एक गुनाह है, वो एक अजाब है, वो एक लानत का सिलसिला है। जब तक वो झूठी बात चलती रहेगी, वो लिखने वालों को वाले को उसका अजाब मिलता रहेगा। जब तक वो आगे बात करने वाले की बात चलेगी, बात
कहने वाले को उसका अजाब मिलेगा। जिसने किसी किताब में कुछ लिखा वो किताब जब तक रहेगी वो उसके लिए एक सिलसिला अजाब बन जाएगा। इसलिए किसी ने कोई और तहरीर कहीं लिख दी, वो तहरीर जब तक आगे चलेगी तो उस बंदे के लिए वो अजाब का निजाम इसी तरह चलता रहेगा। जिस तरह सदका जा सदका जारिया है, इसी तरह गुनाह जारिया भी है। अगर को आप ऐसा गलत चीज बना देते हैं, गुनाह की कोई ऐसी जगह बनाते हैं जिससे आगे कोई गलत चीज बनाते हैं, बुराई की जगह बनाते हैं, उससे आगे जब तक वो चलता रहेगा गुनाह, तो वो एक गुनाह जारिया रहेगा, वो गुनाह जारिया रहेगा। अगर गलत बात तुमने झूठी लिख दी जब तक चली वो गुनाह जारिया है। कोई गलत काम ऐसा कर दिया जब तक वो चलेगा वो गुनाह जारिया है। इसके बरक्स को कुआं खुदा दिया, मदरसा बना दिया, ये सदका जारिया है। जब तक वो चीज रहेगी ये सवाब मिलेगा, जब तक वो चीजें रहेगी ये अजाब मिलेगा। इस वजह से बुग्ज और कीना ऐसी चीज है कि ये गुनाह जारिया छुड़वा के जाता है, और जब तक वो रहेगा गुनाह उसको मिलता रहेगा, गोया वो लानत का शिकार टिका रहेगा। ये इतनी बड़ी बात है जो इस रात को भी ऐसे खबीस की मगफरत नहीं होती। जो अंदर हसद और बुग्ज कीना रखने वाला है इस रात को भी उसकी मगफरत नहीं होती, उसकी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह पाक इस हसद और इस कीने से और इस बुग्ज से हमें बचाए। और मुसलमानों में ये कूट कूट के भरा हुआ है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। ये कीचड़ जो है इनके लिए बायस लानत बन जाता है। जब तक ये आगे चलता रहेगा इन पे लानत बरसती रहती है। इस वजह से सदके जारिया छोड़ के जाओ, गुनाह जारिया छोड़ के न जाओ। हजरत माज बिन जबल रवायत करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 रातों की इबादत करके जिंदा रखा इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 8वीं और 9वीं जिलहज की रात, ईद अल अजहा की रात, ईद अल फितर की रात, निस शाबान की रात, अत तरगीब अत रहीब में इमाम मंजरी वो उन्होंने इसको नकल किया। और इसी तरह तौबा के भी 3 मकाम हैं। ये याराने तरीकत सुन रहे हैं खवातीन और हजरात और तमाम दीगर भी जितने भी मुसलमान मोमिन लोग मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, बहुत अहम बात है कि तौबा के भी 3 मकाम हैं। एक तौबा है, एक अनाबत है, एक औबत है। अब ये सोचो कि तुम क्या करते हो। आज की रात तो तुम्हें मिल गई कि तुम क्या करते हो। तौबा ये है कि गुनाह कबीरा को छोड़ के अल्लाह की फरमा बरदारी में आ जाना। और अनाबत क्या है, गुनाह सगीरा को भी छोड़ देना। गुनाह सगीरा को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत में इस तरफ रजू कर जाना। यानी कि एक तो आपने की तौबा, उसमें गुनाह कबीरा छोड़े, तौबा में गुनाह कबीरा छोड़े तो अल्लाह की फरमा बरदारी में आए, गुनाह कबीरा छोड़े तो अल्लाह की फरमा बरदारी में आए, और गुनाह सगीरा को छोड़ा तो ये अनाबत इसको कहते हैं। आपने गुनाह सगीरा को छोड़ा तो अल्लाह की मोहब्बत में आ गए। और इसी तरह अगर आपने औबत को इख्तियार किया, अपने आप से मुंह को मोड़ लिया, अपने आप को मुंह से मोड़ लिया, अल्लाह की तरफ रजू करने का नाम तो औबत है। तो तौबा फरमाबरदारी में आना, तौबा क्या है, गुनाह कबीरा को छोड़ के फरमाबरदारी में आना। अनाबत क्या है कि गुनाह सगीरा को छोड़ के अल्लाह की मोहब्बत में आना। और औबत क्या है कि खुद को छोड़ के मुकम्मल उसकी तरफ रजू, मुकम्मल उसकी तरफ रजू करने का नाम औबत है। और ये उन औलिया अल्लाह का काम है, उन्होंने औबत की होती है खुद को छोड़ के अल्लाह के लिए हो जाते हैं। फिर हर कोई उनसे फैज हासिल करता है। और फिर उनसे कोई बुग्ज़ की ना रखने वाला अगर कोई हो तो उसके खिलाफ ऐलान जंग अल्लाह पाक की जात करते हैं, उसको खुद अल्लाह की जात तबाह बर्बाद कर देते हैं। क्यों, उन्होंने औबत का मकाम हासिल किया है, तौबा की, फिर अनाबत की, फिर औबत पे पहुंचे, यानी फरमा बरदारी में आए, फिर मोहब्बत में आए, और फिर मोहब्बत में आके अपने आप से मुंह को मोड़ लिया और सिर्फ रजू अल्लाह की तरफ ही रह गया। ऐसों के खिलाफ कोई बात करेगा, मन आद अली वली फकद अजन तो बिल हर्ब, ऐसे वो लोग हैं कि जिनके साथ अगर कोई दुश्मनी रखेगा तो अल्लाह कहता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ, ऐलान जंग करता हूँ। जुनून मिस्री फरमाते हैं, ये भी उन्हीं लोगों में से आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्जिद हराम में गया, एक नौजवान को देखा कि उस्ताना के नीचे नजर आया,
जो मरीज था और गमजदा दिल से आहें भर रहा था, अल्लाह आपने फरमाया मैं इसके पास गया और सलाम किया और पूछा है लड़के कौन हो तुम। उसने जवाब दिया कि गरीब हूँ और आशिक हूँ। उसकी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने उसको कहा कि मैं भी तेरी मानद ही हूँ। वो रो पड़ा, मैं भी उसके साथ रो पड़ा। अल्लाह इश्क जनांदी हड्डी रचिया रोवण कम उनाहा, मिलदियां रोंदे विछड़ियां रोंदे रोंदे टुरदियां राहां। वो आशिक था, उसने गरीब इसलिए कहा कि ये अपने आप को इसलिए गरीब कहते हैं कि आशिक हर एक चीज से जो खाली हो गया, तो जाहिरी हालत में तो ये गरीब है, अंदर से इससे बढ़ के कोई अमीर नहीं है, अंदर से इससे बढ़ के कोई अमीर नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वो समझ के बाद उनको समझ आ गई आशिक का, जो जब उसने कहा ना गरीब तो फिर आशिक हाँ समझ, हाँ मैं भी तेरी तरह ही। एक दूसरे को मिल के रोना शुरू हो गया, रोते गए। मैंने कहा इसको, फिर लिखने वाले ने कहा एक आरफ ने कि इश्क जिना दी हड्डी रचिया रोमन कम उन्हा, मिलदियां रोंदे विछड़ियां रोंदे रोंदे टुरदियां रहा। अब वो रोता रहा वो मुझे कहने लगा क्या तू भी रोता है। मैंने जवाब दिया कि तेरी माना दी मैं भी हूँ। बस वो शदीद रोया, जब उसने कहा ना मैं भी ऐसे, वो और ज्यादा रोया और एक चीख लगाई, एक चीख लगाई और उसी दम वो रेहलत पा गया, उसी दम वो फौत हो गया। उसके ऊपर मैंने अपना रुमाल डाला और कफन लेने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो क्या देखता हूँ, वो वहां मौजूद ही नहीं है। मेरे मुंह से निकला सुभान अल्लाह। ये खास बात थी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह तू बहुत खूबसूरत है। गायब बंदा है और कहा अल्लाह तू खूबसूरत है, यहाँ बड़ा एक राज था। अब ये राज की बातें, ये सीने की बातें, ये कान में कहने वाली बातें हैं, ऐसे खुले बंदों में नहीं कह सकता। ना कोई इतना किसी का आजमा दुरुस्त है, ना कोई इसके काबिल होता है। ये वो बातें हैं जो सीना बसीना सफर करती हुई इंसान को आगे ले जाती हैं और किसी ऐसे इंसान के सीने में ये मुंतकिल होती हैं। ये सीना बसीना बातें जब उसके अहल इंसान के सीने में मुंतकिल होती हैं, वो सीना बसीना बातें उसके सीने को मदीना बना देती हैं। कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे गैब से आवाज आई, फौरन फिर आवाज आई बैतुल्लाह में, ऐ जुन्नून मिस्री, उसको ऐ जुन्नून का, ऐ जुन्नून दुनिया के अंदर ये वो गरीब था कि जिसको शैतान ने पकड़ लेना चाहा मगर वो ना पकड़ सका। फिर मालिक दोजख ने भी उसे चाहा कि उसको पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ सका। फिर मैंने दरियाफ्त किया कि वो इस वक्त कहाँ पर है, तो आवाज आई कि वो सच्चे मकाम पर है, सच्चे मकाम पर है, तेरे कादर तेरे मालक के पास है वो। उन्होंने कहा ना कि किधर गया, सुभान अल्लाह। तो आवाज आई कि इसको शैतान ने पकड़ना चाहा, इस ये बच गया, यानी कि नफ्स और शैतान ने उसको गुमराह करना चाहा, उसने नफ्स और शैतान की नहीं मानी, उसने अल्लाह की मानी, वो नाकाम हो गया। फिर ऐसा कोई उसने गुनाह कबीरा ना किया कि वो दोजख में पहुंचता, उससे भी अपने आप को उसने बचाया कि दोजख से भी वो रिहा हो गया। फिर मैंने पूछा बंदा कहाँ है, आशिक कहाँ है। जब मैंने ये पूछा तो पता चला वहां, तो मैंने उसको अपने पास ले लिया है। अंदाजा करें कि अल्लाह के बंदों की क्या शान है, अल्लाह के बंदों की क्या वैल्यू है, अल्लाह की बारगाह में क्या कदर कीमत है, और हजूर सल्लम की बारगाह में कितनी उनको इज्जत है, और हर अहले ईमान की, हर अहले ईमान के दिल में, हर मुसलमान के दिल में अल्लाह के वली का अदब होता है। ये निशानी है, क्योंकि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली की, अल्लाह के प्यारे की इज्जत अल्लाह के पास, उसकी इज्जत रसूलुल्लाह के पास, उसकी इज्जत अल्लाह के वलियों के पास, और उसकी इज्जत हर मोमिन के पास, और उसकी इज्जत हर मुस्लिम के पास। और जो कहे कि मैं मोमिन हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, और अल्लाह के बंदे की इज्जत अदब और अहमियत उसके दिल में ना हो, तो गोया वो उस सब से खारिज है कि उसकी इज्जत तो अल्लाह की बारगाह में है, उसकी इज्जत तो मुस्तफ़ा की बारगाह में है, उसकी इज्जत तो सहाबा अहले बैत की बारगाह में है, उसकी इज्जत औलिया अल्लाह की बारगाह में है। अगर उसके दिल में नहीं है, तो फिर उसका दिल पलीद ही इतना है कि उसके दिल में उसका अदब और उसकी अहमियत आ ही नहीं सकती है। इतनी अहमियत अल्लाह के प्यारे लोगों,
इस रात में उन लोगों का जिक्र भी हमारे लिए वसीला निजात है, उन लोगों का जिक्र हमारे लिए वसीला मगफरत है। को ये जो मैंने आपके सामने बयान किया तो गर्ज यही है कि अल्लाह के इन प्यारों का जिक्र करके हम भी उन अल्लाह के प्यारों का प्यार हासिल कर सकें। गोया मोहब्बत मिशन का माना यही है कि अहले मोहब्बत का तज़किरा करके, मोहब्बत को हासिल करके, मोहब्बत को आम किया जाए। यही मोहब्बत मिशन है, यही मोहब्बत मिशन है कि हर इंसान से मोहब्बत और फिर रसूल खुदा से मोहब्बत और फिर अल्लाह से मोहब्बत, यही मोहब्बत मिशन है। मुकाशिफतुल कलूब में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक्य को बयान किया, यानी वो दुनिया जो दिल के अंदर उतरी, जिसका कश्फ दिल में हुआ, मुकाशफा जो मुकाशफा दिल है, और वो भी इमाम गजाली का, वो बहुत जबरदस्त, वो भी एक शख्सियत गुजरे हैं, अहले इल्म भी थे और अहले फजल भी थे, अहले इल्म अहले फजल अहले मारफत। तो वो कहते हैं, उन्होंने इस वाक्य को मुकाशिफतुल कलूब में लिखा, मुकाशिफतुल कलूब के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा जो मैंने बयान किया। इसी तरह हजरत सैयदना रबिया बिन उस्मान तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स बहुत ज्यादा गुनाहगार था, इसके शब व रोज अल्लाह की नाफरमानी में गुजरते, वो गुनाहों के गहरे समंदर में गर्क था, फिर अल्लाह ने उसके साथ भलाई का इरादा फरमाया और उसके दिल में एहसास पैदा फरमाया, चुनाचे उसने अपनी जौजा से कहा, मैं अपने सबका गुनाहों से नादम हूँ और अपने परवरदिगार की बारगाह में तौबा करता हूँ। मैं अब किसी ऐसी बस्ती की तलाश में जा रहा हूँ जो अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करे। इतना कहने के बाद वो शख्स सहरा की तरफ चल दिया। जब वो एक वीरान जगह पहुंचा तो जोर जोर से पुकारने लगा, ऐ जमीन तू मेरे लिए शफी बन जा, ऐ आसमान तू मेरे लिए शफी बन जा। वजारो कतार रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, इसी तरह सदाएं बुलंद होती रहीं। बिलाखिर रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इतने में एक फरिश्ता भेजा गया जिसने उसे उठाया और उसके सर से गर्दो गुबार, गर्द वगैरह जो मट्टी लगी हुई थी उसको साफ किया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे लिए खुशखबरी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरे लिए खुशखबरी है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि तेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। हयून अल हकायात इमाम इब्न जौजी ने इसको लिखा, इमाम इब्न जौजी ने इसको लिखा। तो जब इंसान हर एक से अपना रुख मोड़ के अल्लाह की तरफ अपना रुख कर लेता है तो गोया उसकी तौबा तब कबूल होती है, वो कामयाब कामरान करार पाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं इन्हीं वलियों का जिक्र, इन्हीं वलियों का जिक्र इस रात के, ये शबे बरात है, ये शबे बरात है, इन लोगों की बरात के सदके हमें बरात मिल सकती है, हमें बरात मिल सकती है। एक बुजुर्ग थे जिनको बिदारी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुआ करती थी, बिदारी की हालत में ज़ियारत होती थी। ये प्यारे मुस्तफ़ा का करम है कि जब वो चाहें तो वो कर लें, ये उनकी मर्जी है, जो चाहें वो कर लें, जब चाहें वो नज़र उठाएं और नज़र कीमिया फेंक कर एक सिक्के को कीमिया कर दें, एक मट्टी को कीमिया कर सोना कर दें। तो उनको, वो अपने शहर फारस में बैठे थे, मदीना मुनव्वरा की बू, बैठे बैठे वहाँ मदीना शरीफ की खुशबू सूंघ लिया करते। अब वो ये किस्सा सुना रहे हैं, वो कहते हैं मैं एक शेख के पास उंदलस की जामे मस्जिद में शब जुमा गुजारी, बाद नमाज जुमा हम मस्जिद से बाहर आए तो एक शख्स ने शेख के हाथ पर बोसा दिया और कहा, हजरत मुझे आपके साथ अल्लाह वास्ते की मोहब्बत। शेख ने एक ऊपरी तिरछी नज़र से उसको देखा और फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह को बातन का इल्म है, वो मख्फी से मख्फी चीज़ छुपी हुई देख लेता है,
तो फिर इस मोहब्बत को जाहिर क्यों कर रहे हो? मतलब ये था कि अगर तुम मेरी मोहब्बत, तुमको मेरी मोहब्बत थी तो अल्लाह को इसका ज़रूर इल्म था, तो लिहाजा उसी पर इक्तफा किया होता है। इसी सिलसिले ये क्यों बयान तुमने कर दिया, इसको मुझे जिताने की क्या ज़रूरत थी, उसी से सिला मिल जाता। ये क्या कर, शेख जो है वो अंदर चले गए और मुद्दई मोहब्बत जो था, जिसने दावा मोहब्बत किया था, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं उसके पास आकर कहने लगा, वो कहते हैं बुजुर्ग के, ऐ शख्स तूने बड़ी बात का दावा किया है, शेख अब जो है ना तुम्हें आजमाए बगैर नहीं छोड़ते, अब तुमने इतना बड़ा जो दावा किया है तो अब तुम्हें आजमाया जाएगा, शेख तुम्हें आजमाएगा, आजमाए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लिहाजा मर्द बने रहियो, लिहाजा मर्द बने रहियो, वरना शेख कहां और तुम कहां, शेख कहां और तुम कहां। इत्तेफाक से उस शख्स का बाग हजरत शेख के बाग से मुलहिक था और दरमियानी सरहद पर एक अंजीर का दरख्त होता था जो असल में मलकियत शेख की थी, लेकिन हर साल उसके फल तोड़ के ना वो जो दाई मोहब्बत था वो बेच दिया करता था। तो शेख सब्र करते थे कि पड़ोसी है कोई बात नहीं, चश्मपोशी करते थे कि इसको अंजीर खाने दो या बेचने दो। अब चूंकि उसने मोहब्बत का दावा किया था, अब चूंकि आ गई मसला और, तो शेख ने कहा कि ये दरख्त हमारा है, इसका फल अब तू तोड़ नहीं सकता। वो जो मुद्दई मोहब्बत था दावा करने वाला, उसने इनकार किया और कहा कि दरख्त तो मेरा है। अब यहाँ पे मोहब्बत दावा करते हैं ना, जब इम्तिहान आता है तो फिर उस वक्त पता चलता है कि इनकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। तो जब आजमाया जाता है, कुरान में है ना कि लोगों ने गुमान कर लिया कि यूं छोड़ दिए जाएंगे, नहीं उनको आजमाया जाएगा, तो शेख भी आजमाता है। तो उसने जब आजमाया, तो उसने कहा नहीं मेरा है, मेरा है। आपस में मुकदमा बाजी हो गई, बड़ा लंबा वो किस्सा बना, हत्ता कि वो शेख को गाली भी जो है वो दिया करता था, फिर गाली देता था। उसी शख्स को फिर मैंने ये कहते हुए सुना कि जब मैं हज को गया और रोजा है मुतहरा पर हाजिरी दी तो मुझ पे एक हालत तारी हुई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लम, मेरा ये गुमान न था कि आपके मदीना में पहुँच कर फिर फारस को वापस जाऊँ, कब्र पाक की जानब से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अगर मैं इस कब्र के अंदर बंद हूँ तब तो जो आए यहीं रह जाए, और अगर मैं बसूरत फैज़ रूहानी बशक्ल शेख अगर मैं बसूरत फैज़ रूहानी बशक्ल शेख अपनी उम्मत के साथ हूँ जहाँ कहीं भी हो तो तुम अपने वतन वापस चले जाना, तुम्हें अपने वतन वापस जाना चाहिए, चुनाचे मैं अपने वतन वापस आ गया। अब इसमें यह है कि उसने दावा नहीं किया था तो बात और थी, फल खाता रहा। अब चूंकि असली फल देना था उसको तो जरूर उसकी भी नहीं थी, जिसकी इतनी शान है, हजूर कह रहे हैं कि उस शेख की शक्ल में मैं फैज दे रहा हूँ और दुनिया के हर कोने में जो शेख असल है उसकी शक्ल में फैज मेरे मुस्तफा का जारी है, शेख की शक्ल में फैज मेरे मुस्तफा का जारी है, तो फिर मदीने में रहने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है रहो, नहीं तो जहां भी रहोगे अगर शेख को पालोगे तो हजूर के फैज से मुस्तफीज होते। कहता है मैंने जब ये सुना तो फिर हम अपने वतन वापस आ गए, गोया उसी शेख के कदमों में गिर गया और उसी का फिर तालब बन गया। अल्लाह पाक हमें ये बातें समझने की तौफीक अता करे, और इस शब रात में इन बातों को भी अगर हम नहीं समझ सकते तो इस शब रात की इन रामतों को हम कैसे समेट सकते हैं, इन बरकतों को कैसे पा सकते हैं। तो आज के इस बयान का लुबे लुबाव यही है कि मोहब्बत मिशन अल्लाह के वलियों का मिशन है, जो शुरू से आका अलैहिस्सलाम ने इसको शुरू किया और सहाबा वाले बैत से होता हुआ, हजूर गौसे आजम से होता हुआ, जनाब मखदूम हमजा रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ, बाबा दाऊद शाह खाकी से होता हुआ, जनाब वालद मुकर्रम सैयद रसूल शाह खाकी तक और फिर आगे नाचीज तक होता हुआ चलता हुआ आ रहा है। इसका मकसद मोहब्बत अमन प्यार है, और प्यार बंदों से है, प्यार रसूलुल्लाह से है, प्यार अल्लाह से है।
और इस शबरात के दिन ये दुआ करता हूँ कि जिन लोगों का जिक्र हुआ इन वलियों के तुफैल और अल्लाह पाक अपने नबियों के तुफैल और बिलखसूस पंचतन पाक और जुनाबे तमाम सहाबा वाले बैत के तुफैल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम पे करम करे और इस शबरात की सारी रहमतें और बरकतें हमें अता करे और जिन्होंने तौबा आज कर ली है उनकी तौबा कबूल करे। और सबसे बड़ी तौबा यही है कि अपने अंदर जो तुम्हारे कीना है, बोग्ज है, हसद है, इसको निकाल दो, फिर तुम्हारी शबरातें कबूल हो जाएं। अगर अंदर हसद है, कीना है, बोग्ज है, फिर शबरात नहीं है। हसद और कीना, बोग्ज और शिरक, बोग्ज कीना जिद अनाद, ये निकाल दो तो फिर तुम्हें शबरात हासिल हो गई, तुम अल्लाह की रहमत के साए के तले आ गए, तुम बच गए, तुम्हारी मगफरत हो गई, तुम्हारी बख्शिश हो गई। और अगर ये नहीं है तो फिर कोई तमन्ना नहीं, और अगर हसद व बुग्ज रखोगे तो फिर कोई तमन्ना ना रखो किसी चीज की, और अगर हसद व बुग्ज से निकल कर आज तौबा कर लो तो फिर इस शबरात की समझे आपको बरकतें मिली, आपको रहमतें मिली, और इसी के तसद्दुक, इसी के वसीले से तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह पाक करम करे और हम सब पे रहमत करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अब मेरे साथ थोड़ा जिक्र कर लें। मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़े कुल्ले اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الهي اس ختم پاک کا ثواب اس محفل کا ثواب تیری برگاہ میں پیش کر قبول فرما. اس کا ثواب حضور اس کا ثواب اے پاک کریم اے جل شانہ اے حق سبحانہ اے پاک ذات اے پاک اللہ پاک کریم تیری برگاہ میں پیش کر قبول فرما. اس کا ثواب یا اللہ تیری برگاہ میں پیش کر قبول فرما. اس کا ثواب اللہ اس کا ثواب تیری برگاہ میں پیش کر قبول فرما. آمین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کیا اس کا ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کیا. آمین. اس کا ثواب آمین آمین. اللہ اللہ یا اللہ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یا اللہ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء رسل امہات المؤمنین تمام اولاد رسول جنہ پنج پاک چار دم سن دعائے امام اشر مباشرہ تمام صحابہ و تمام خدا خاص کر سیدنا کربلا تمام صدیقین صالحین خاص کر سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی جناب غوث الصمدانی کی بارگاہ میں پیش کیا. گل فرمایا اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سے جناب پیر صاحب کی برگاہ میں پیش قبول فرما قبول فرما. آمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ اس محفل کو قبول فرما سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا کریم سب کے حال میں فضل و کرم عطا فرما. جتنے بھی مریض ہیں ہم سب کو صحت عطا فرما. جتنے بھی مریض اس تمام محفل میں اور یا اللہ جتنے بھی مریض تمام اس محفل میں ہیں اور تمام اس آن لائن سسٹم میں ہیں مولا کریم ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے مریض اس محفل میں ہیں ان کو صحت دے. یا اللہ جتنے مریض اس محفل میں ان کو صحت دے. جتنے آن لائن اس سسٹم میں ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما. مولا کریم ان کا گھر نہیں گھر عطا فرما. عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما خیر و عافیت عطا فرما. مولا کریم اس کرونا کے وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. اس کرونا کے وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. الغرض ہر موذی مرض سے بچا صحت و زندگی عطا فرما. ہر مشکل کو مولا کریم دور دفع بلا فرما. ہر بیماری کو دور دفع بلا فرما. مولا کریم ہر مرض کو دور دفع بلا فرما. ہر مرض کو دور دفع بلا فرما. یا مولا ہر بیماری کو دور دفع بلا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وصلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. دعا مانگیں.